मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 है ये। तो आप पीछे देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी हमारे पास यहाँ मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और ये अभी अभी आई है गाड़ी कराची कैंट की तरफ। आज ये गाड़ी भी लेट आई है, तो अब इस ट्रेन की जो वॉशिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। इस गाड़ी को वॉश करके रात को 10 बजे इस ट्रेन का डिपार्चर है। तो डिपार्चर से पहले पहले इस गाड़ी की जितनी भी ये क्लीनिंग सर्विसेज हैं और उसके साथ साथ जो दीगर इसके मामलात हैं उनको पूरा किया जाएगा, और फिर उसके बाद ये गाड़ी आज अपने मुकर्रर वक्त पे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हो जाएगी। नन्ना मुन्ना रेल फैन जोहान, जो कि मोहसिन का भांजा है, आप सबको पता होगा, आप लोगों ने मोहसिन की वीडियोज़ में भी इसको देखा होगा। तो आज जोहान जो है ना, मैं कह रहा था कि हम चलते हैं बड़ेयाले स्टेशन पर, तो जोहान अभी हम लोग बड़ेयाले स्टेशन पर आ गए हैं। तो ये पीछे ट्रेन जो खड़ी हुई है, आपको पता है कौन सी गाड़ी है? आप इस पर ट्रैवल करके आए थे ना मोहसिन मामा के साथ, कैसा रहा था ट्रैवल? वाह, ये ग्रीन लाइन है, वाह ज़बरदस्त। और जोहान आपका फेवरेट इंजन कौन सा है? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला है, वो आगे वाला तो नहीं है वो जो खड़ा हुआ है? नहीं। अच्छा, मैंने भी अभी वैसे नहीं देखा आपका इंजन, मुझे भी दिखाना है आपने, ठीक है? वो जो है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ वो इंजन कौन सा है, मैंने नहीं देखा अभी तक। जान आपने मुझे दिखाना वो इंजन, वो ब्लैक था, वो ऐसे चलता। अच्छा, मुझे जोहान के इशारों से ये समझ आ गई है कि वो इंजन जो है ना वो स्टीम लोकोमोटिव है। ऐसे ही है, स्टीम वाला इंजन है वो जिसके ऊपर से वो धुआं निकलता वाइट वाला, वही है। गुड, मैं तो पहचान गया भाई। चलो अब वो हमारे पास एक गाड़ी आ रही है, देखें उसको। चलो आओ देखें। 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का रेक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे प्लेस हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एक ब्रेक वैन, जो कि कोच नंबर 19 है। लाहौर कराची लाहौर की जो मशहूरी है ऊपर लगी हुई है, इस पर तख्ती लगी हुई है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान रेलवेज़ का नाम भी अवेज़ा है ट्रेन पे। और ये इसका जो रिफर्बिश रेक है वो देख रहे हैं आप लोग, पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के लिए। और तख्तियों पे अब बाकायदा मेंशन किया गया है बिज़नेस एक्सप्रेस के नाम को। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये तख्ती वाली गाड़ियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि इनकी तख्ती को चेंज किया जा सकता है। और उसके साथ साथ सामने ZCU 36317 आज बिजनेस एक्सप्रेस के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे प्लेस हुआ हुआ है। जैसे ही ये ट्रेक पूरा प्लेस हो जाएगा प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद 6317 जाके ट्रेन के साथ अटैच हो जाएगा, और पूरे 4 बजे इस गाड़ी ने रवाना होना है यहाँ से। लेकिन आज ये लेट लग रही है मुझे, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो है 4 बजे, मतलब कि ये ऑलरेडी लेट होना शुरू हो चुकी है अपने टाइम से। और इसके आगे से बिज़नेस क्लास स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैं अब तक जो है ना इनकी ये अरेंजमेंट को नहीं समझ सका कि ये क्या करते हैं। मैन्युअली चॉकिंग कर देते हैं हर कोच के ऊपर। अभी ये देखें ना, यहाँ पे 8 नंबर तक आ गई आपके पास इकोनॉमी क्लास पूरी सीरियल वाइज। अब उसके बाद आगे 3 नंबर लग गया, फिर उसके बाद 6 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा। ये इस तरह से, ये क्या मतलब, इस तरह से तो अरेंजमेंट ही सारी ख़राब हो जाती है कोच की।
तो पाकिस्तान रेलवेज को चाहिए कि अपनी कोचेस की जो अरेंजमेंट है उसको प्रॉपर रखे। जब एक सीरियल वाइज एक इनका रेक चल रहा है तो उसको सीरियल वाइज ही चलाएं। सामने बिजनेस क्लास है 3 नंबर, उसके बाद एसी स्टैंडर्ड है 7 नंबर, फिर उसके बाद बिजनेस क्लास लगाई हुई है 2 नंबर, फिर उसके बाद आगे एसी स्टैंडर्ड लगी हुई है 5 नंबर। और इसी तरीके से इसकी जो एसी की अरेंजमेंट है वो चल रही है पाकिस्तान रेलवेज के स्ट्रक्चर में। ये ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का रावलपिंडी कोटे का इकॉनमी क्लास कोच है, कोच नंबर 2। और आपको याद होगा कि मैंने भी कोच नंबर 2 में सफ़र किया था मारगला से लेके लाहौर तक। और ये बाकी कोचेज़ आप सामने देख सकते हैं। मेहरान एक्सप्रेस भी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ड्रॉबैक ये हुआ है इस गाड़ी के रवाना होते हुए कि 4:25 पे ये गाड़ी रवाना हुई है, इसकी वजह से 10 मिनट लेट हो गई है मेहरान एक्सप्रेस कराची कैंट पे। अब एक ट्रेन की वजह से पिछली जो गाड़ियां हैं ना उनकी कतार लग जाती है लेट होने की।
रबर का क्या हाल किया हुआ है? सामने 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अरावल कर रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे। AG 36006 आ रहा है शेड से बाहर। और उसके बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस अभी प्लेटफॉर्म पे लग रही है, उसके साथ साथ GU 14908 यहाँ पे ZC 36314 RGE 24529। ये डेफिनेटली उसकी पावर है 17 अप मिले थे एक्सप्रेस की।